प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है आपका। आज देखिए अपन बात करेंगे राजनीतिक दलों के संदर्भ में। अपने राष्ट्रीय दल है सात, सातों में देखिए पहले नंबर पर अपन बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे INC कहा जाता है, सहयोगी दल UPA, यूनियन पब्लिक अलायंस, स्थापना 28 दिसंबर 1885, संस्थापक था AO ह्यूम, चुनाव चिन्ह हाथ, वर्तमान अध्यक्ष है राहुल गांधी, ठीक है जी। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, BJP, सहयोगी दल NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मतलब जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां हैं और भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा के साथ में उनकी विचारधारा मेल खाती हो, उनका संगठन है जिसे कहा जाता है NDA। स्थापना 6 अप्रैल 1980, संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, चुनाव चिन्ह है कमल, वर्तमान अध्यक्ष है अमित शाह। तीसरे नंबर की पार्टी देखें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, स्थापना 26 दिसंबर 1925, संस्थापक है मानवेंद्र राय, चुनाव चिन्ह है हसिया और बाली, अध्यक्ष है एस सुधाकर रेड्डी। चौथे नंबर पे पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM, स्थापना 1964, संस्थापक है प्रमोद दास गुप्ता व ज्योति बसु, चुनाव चिन्ह है हसिया हथौड़ी तारा, अध्यक्ष है सीताराम येचुरी। पांच नंबर पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, स्थापना 1999, संस्थापक शरद पवार, अध्यक्ष है शरद पवार और चुनाव चिन्ह है घड़ी। इसके बाद में छह नंबर पे पार्टी है बहुजन समाज पार्टी BSP, स्थापना 14 अप्रैल 1984, संस्थापक काशीराम, चुनाव चिन्ह हाथी, वर्तमान अध्यक्ष मायावती। सातवें नंबर पे पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसे TMC कहते हैं, स्थापना 1 जनवरी 1998, संस्थापक ममता बनर्जी, चुनाव चिन्ह फूल व घास और अध्यक्ष भी ममता बनर्जी है। तो मित्रों ये प्रमुख बातें थी अपने राष्ट्रीय दलों के बारे में। जो सात राष्ट्रीय दल थे इनके चुनाव चिन्ह पूछ लिए जाते हैं, इनके वर्तमान अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, इनकी स्थापना पूछ ली जाती है और इनके संस्थापक पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन जो बने वो आपके सामने है, एक लिस्ट बना के दे दी आपको, याद करना आपका काम है। इसके बाद में अपन क्षेत्रीय दलों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद मित्रों। देखिए मित्रों, इससे पहले अपन ने जो राजनीतिक दल करे थे वो राष्ट्रीय दल करे थे, जिनकी संख्या सात थी। अब अपन बात कर रहे हैं क्षेत्रीय दलों के बारे में। देखिए तेलुगु देशम है, इसका चुनाव चिन्ह साइकिल है आंध्र प्रदेश की पार्टी है। समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल UP की पार्टी है। असम गण परिषद हाथी चुनाव चिन्ह है असम की पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर कमान चिन्ह है झारखंड की पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी बंगला चिन्ह है बिहार की पार्टी है। तेलंगाना राष्ट्र सरकार इसकी जो चुनाव चिन्ह है ये कार है तेलंगाना की पार्टी है। पैंथर्स पार्टी साइकिल जम्मू कश्मीर की पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हल इसका चुनाव चिन्ह है जम्मू कश्मीर की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल लालटेन इसकी चुनाव चिन्ह है और बिहार की पार्टी है। शिवसेना तीर कमान चुनाव चिन्ह है और महाराष्ट्र की पार्टी है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक शेर इसका चुनाव चिन्ह है बंगाल की पार्टी है। अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम 2 पत्ती इसका चुनाव चिन्ह है तमिलनाडु की पार्टी है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी शेर इसका चुनाव चिन्ह है गोवा क्षेत्र है इसका। सिक्किम संग्राम परिषद आती चुनाव चिन्ह है और सिक्किम ही क्षेत्र इसका। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ये उगता सूरज चुनाव चिन्ह है तमिलनाडु इसका क्षेत्र है। नागालैंड पीपुल्स पार्टी मुर्गा चुनाव चिन्ह है और नागालैंड इसका क्षेत्र है। अकाली दल तराजू पंजाब की पार्टी है। जनता दल यू तीर बिहार झारखंड की पार्टी है और मुस्लिम लीग CD चुनाव चिन्ह है मित्रों और केरल की पार्टी है। तो ये प्रमुख क्षेत्रीय दल थे, इनके चुनाव चिन्ह थे, संबंधित क्षेत्र थे। आपसे पूछ लिया जाए जनता दल यू कहाँ की पार्टी है तो आपका जवाब होना चाहिए बिहार। आपसे पूछ लिया जाए कि समाजवादी पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह क्या है तो आपका जवाब होना चाहिए साइकिल। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो संविधान में प्रमुख जो संशोधन हुए हैं उनकी चर्चा करते हुए मिलेंगे। जय हिंद मित्रों।